तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। तो साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, और आपको बताएंगे कि 22 सितंबर से 30 सितंबर तक का जो समय है कुंभ राशि वालों का वो कैसा बीतेगा। तो ये राशिफल आपका चंद्र राशि पर आधारित है। साथ ही साथ आप अगर आपको राशि का पता नहीं है तो आप अपना जो प्रचलित नाम है उस नाम की राशि के हिसाब से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 22 सितंबर की। 22 सितंबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जो आपके राशि स्थान से 10वें स्थान में रहेंगे। 10वें स्थान में यहाँ वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ थोड़ी बहुत कठिनाई आपको जॉब को लेके हो सकती है। हो सकता है आप कुछ काम है जिसको आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं और वो हो किसी और तरीके से रहा, या थोड़ा सा मेंटल प्रेशर हो जाए आपके ऊपर, थोड़ा सा काम का बोझ बढ़ जाए, ये सारी जो स्थितियां हैं वो रह सकती हैं आपको। हालांकि फायदा होगा, आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और आप थोड़ा सा जो है आराम नहीं करेंगे यहाँ पर, जिससे आपकी थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। तो नीच का चंद्रमा होने की वजह से बस यही परेशानी हो सकती है। इसके अलावा चंद्रमा फोर्थ हाउस को देखेगा, फोर्थ हाउस को देखने पर भी वैसी ही स्थिति यहाँ पर भी क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं। और ये हो सकता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है अपनी मदर के साथ वो कई कई बार खराब हो जाए, या जो घर में शांतिपूर्ण जो स्थिति है वो आपके लिए बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो एक दिन का चंद्रमा का ट्रांजिट है 22 सितंबर का, ये आपके लिए कुल मिलाकर ठीक ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव से बचने की कोशिश जरूर करें। और जो काम आप जिस प्रकार से करना चाहते हैं वो किसी और तरीके से हो रहा है तो आप उसको होने दीजिए। जैसा भी आपका रिजल्ट आ रहा है आप रिजल्ट पर फोकस करिए। अगर आपकी जो मन वांछित रिजल्ट है वो नहीं आ रही वहाँ पर, तब आप उसको जो है तरीके को चेंज कर सकते हैं किसी काम के तरीके को, वरना आप जो भी जैसा अभी हो रहा है उसको होने दीजिए। तो आप बहुत ज़्यादा चिंता इसकी ना करें। इसके साथ ही जो जातक अभी जैसे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, या उनको थोड़ा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है चंद्रमा के 10th हाउस में होने से। इसके साथ ही अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपके बॉस के साथ आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, और जिस कार्यस्थल पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपके जो साथ वाले हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी आपको महसूस हो सकती है। तो ये चंद्रमा का रिजल्ट रहेगा आपके 10th हाउस में। इसके बाद 23, 24 और 25 सितंबर को चंद्रमा आपके दशम स्थान से निकलकर वो आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर गुरु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में ही। तो यहाँ पर ये गजकेसरी योग बन जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर अब जो 3 दिन रहेंगे 23, 24 और 25 सितंबर को, ये तीनों दिनों में आपके धन से संबंधित जो भी काम है वो बनेंगे, संतान पक्ष का आपको सहयोग मिलेगा, आप भी अपनी संतान की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और अपनी संतान के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे इस समय में। तो आपका जो क्रिएटिविटी है, आप में एक जो नेचुरल क्रिएटिविटी है वो इस समय में उभर कर सामने आएगी, और आपका जो ध्यान रहेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धन कमाने पर रहेगा, लाभ प्राप्त करने पर रहेगा। तो कोई सौदा जो आपके लिए लाभ का नहीं होगा उसको आप नहीं लेंगे, उसको आप छोड़ देंगे, और ये आपके लिए अच्छा भी होगा। साथ ही साथ कुछ नए दोस्त आपके बनेंगे जो आपकी मदद करेंगे, कुछ ऐसे लोग भी आपकी मदद करेंगे जो सरकारी पदों पर, उच्च सरकारी पदों पर पदासीन है। तो ये समय काफ़ी अच्छा है अपनी जो इच्छाएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, जो पूरी नहीं हो रही थी, या धन को लेके कोई काम अटका हुआ है, तो ऐसा कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, सारे काम आपके बनते हुए चले जाएंगे। अब 11th हाउस है वो आपका ऑडियंस है, तो यहाँ से चंद्रमा जब आपके पंचम को देखेंगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो लोगों के सामने आ पाएगी। आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप एक अच्छे गायक हैं, आप एक अच्छे डांसर हैं, या और कोई प्रकार के आप में क्रिएटिविटी है, आप एक अच्छे मूर्तिकार हैं, तो वो जो कला है आपकी वो अपने ऑडियंस के सामने आप पेश कर सकेंगे और उससे आपको फायदा हो सकेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर धन का जो फायदा है वो भी हो सकता है। इसके साथ ही देखिए चंद्रमा पंचम हाउस को देख रहे हैं, तो प्रेम संबंधों को लेके थोड़े से आप इस समय में इमोशनल अवश्य रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है
वो आपके दिल से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा, ना कि जो भी आपका मन है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे। तो यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे वो आपका काम भी कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। तो अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय ले लेते हैं यहाँ पर, तो थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। इसके साथ ही आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसमें आपका नाम बढ़ेगा और कहीं ना कहीं नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे और आपकी सराहना भी वो लोग करेंगे। तो ये जो 3 दिन का ट्रांजिट है ये आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इस समय में धन को लेके जो भी काम आपके अटके हुए हैं, जो समय पे नहीं हो पा रहे थे, जो अभी तक परेशानी में चल रहे थे, तो वो आप कर लीजिए, ये सारे पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें अगले जो ट्रांजिट हैं चंद्रमा के, तो अगला जो ट्रांजिट रहेगा उसमें क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे, तो जो आप भी आपने जो अर्न किया है पैसा वो कहीं ना कहीं आपको बचा कर रखना होगा और उसकी सेविंग अच्छी तरह से करनी होगी, तब जाकर आप जो आगे के कुछ दिन हैं उनको निकाल पाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा धन की सेविंग करते हैं, मनी सेविंग करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद की जो स्थिति बनेगी वो 26 और 27 को चंद्रमा आपके राशि स्थान से आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में यहाँ पर ये शनि के साथ भी रहेंगे तो विष दोष भी बनेगा। आपको बुरे सपने आना, अनिद्रा की समस्या होना, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें डिले होना, ये सारी स्थितियाँ रहेंगी। अगर किसी को पैसा उधार देते हैं तो आपको पैसा वापस लौट कर नहीं आएगा। अगर आप किसी से उधार लेते भी हैं तो आप उस ऋण को या उस धन को चुकाने में थोड़ी सी परेशानी महसूस कर सकते हैं। तो इस समय में ऋण तो आप बिल्कुल ना लें, उधार किसी से बिल्कुल ना लें। और साथ ही अगर आपने पहले से ही ऐसा कर रखा है, आपने कहीं से पैसा उधार ले रखे हैं, तो उनको चुकाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं तो किसी के साथ वाद विवाद में पड़ के आप कोई कोर्ट केस में जा सकते हैं, या आप अपनी जो एक हैसियत है उसका थोड़ा सा यहाँ नुकसान भी कर सकते हैं। तो ऐसा आप जरूर ध्यान रखें और आप किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी ना पड़ें, जिससे आपको फायदा होगा। इसके साथ ही चंद्रमा 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं तो मन का जो एक स्थिरपन है वो आपका नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लूज रहेगा और ये आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। क्योंकि कॉन्फिडेंस जब तक नहीं रहेगा आप किसी काम के लिए सही निर्णय नहीं कर पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा डिले कर देंगे। तो आपका कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो आपको अपनी लाइफ के बारे में लेना है उसको आप डिले करेंगे तो इन 2-3 दिनों में आप उसको रोक सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों में आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लो रहने से कोई भी काम जब आप करेंगे उसके लिए आप देर तक सोचते रह जाएंगे और समय निकल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी परेशानी होगी और कहीं ना कहीं वो जो आप डिसीजन ले रहे थे बहुत लेट हो जाएगा और आपका काम समय पर नहीं बन पाएगा, जिससे हर काम में डिले होगा। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ओम शब्द का जप करते हैं या आप शिव चालीसा के पाठ करते हैं तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा बीतेगा। इसके बाद की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 28 और 29 को चंद्रमा जो कि आपके राशि स्थान में ही ट्रांजिट करेंगे, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि आपके राशि स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं इसलिए अब सेहत को लेके थोड़ा सा सुधार नजर आएगा। वैसे आपका जो राशि स्थान का जो स्वामी है शनि, वो अभी भी 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं ट्रांजिट में, तो हेल्थ को लेके थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है फिर भी, लेकिन कुछ सुधार होगा, कुछ आपका कॉन्फिडेंस वो लेवल बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल के बढ़ने से भी आपको एक मदद मिलेगी किसी रोग से निपटने में, या सेहत अगर बहुत ज़्यादा खराब हो रही तो एक कॉन्फिडेंस मिलने से एक थोड़ा सा अंदर हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, और कहीं ना कहीं वही मोटिवेशन हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो हमें बहुत पॉजिटिव बना देता है हमारे एटीट्यूड को। तो ये ऐसा ही आपके साथ होगा और कहीं ना कहीं आप जो काम करने वाले हैं जो आगे आने वाले दिनों में, उन कामों के प्रति आप सीरियसली डिसीजन ले पाएंगे। तो अब ये जो 2 दिन रहेंगे आपके 28 और 29 सितंबर, इनमें आप कोई भी वो निर्णय ले सकते हैं जो आपने पहले पेंडिंग छोड़ दिए थे और वो आपके काम जो पूरे नहीं हो पा रहे थे उनको आप पूरा कर सकते हैं। इस समय में आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे और आप थोड़े से इमोशनल भी रहेंगे, आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा यहाँ से आपके सप्तम स्थान को देखेंगे, सप्तम स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस रहेंगे,
अगर आप पब्लिक के साथ किसी प्रकार का इंटरेक्शन करते हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो लोगों की समस्याओं को भी सुनते होंगे, उनको फीडबैक भी देते होंगे, या जो लोग हैं वो आपको फीडबैक देते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सलाह भी देते होंगे किसी मामले पर, या लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण भी करते होंगे। तो ये सब आपको यहाँ पे अच्छा रहेगा चंद्रमा के यहाँ ट्रांजिट होने से, और कहीं ना कहीं लोगों का जो सपोर्ट आपको चाहिए वो इस समय में अवश्य मिलेगा। तो आपका जो हर काम जो आप जनता के लिए करेंगे वो आपका होता चला जाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल, हाई कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है अभी भी। हालांकि आपका जो यहाँ पर राजस्थान का स्वामी है शनि, वो अभी भी 12वें भाव में, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस उच्च लेवल का रहेगा, जिससे आप अगर बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप चाहते हैं, तो ये आप कर पाएंगे। इसके साथ ही मैरिड लाइफ में कोई इश्यू चल रहा था, लंबे समय से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो वो अब आपकी परेशानी कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएगी। तो ये कुल मिलाकर आपका इस वीक में काफ़ी अच्छा वीक रहेगा, और आपका जो लेखा जोखा रहेगा। इसके बाद 30 सितंबर को, 30 सितंबर को चूंकि जो आपके चंद्रमा है राजस्थान के जो स्वामी, नहीं राजस्थान के जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सेकेंड हाउस में मेन राशि में यहाँ पर चंद्रमा के रहने से अचानक धन लाभ होने के संकेत मिलते हैं। फैमिली के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, फैमिली के सदस्य आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे। तो फैमिली के साथ जितना टाइम आप स्पेंड करना चाहते हैं उतना टाइम स्पेंड कीजिए। आप उन लोगों की कोई समस्या तो उसको सुनिए, और आप फैमिली के ऊपर थोड़ा खर्चा भी कर सकते हैं। इस समय में आप धन को खर्च करने के बजाय बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी कर पाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं फैमिली की जो सपोर्ट है वो आपके साथ हमेशा यूं ही बनी रहेगी। इसके साथ ही आप अपने भोजन पर थोड़ा ध्यान देंगे, और आपकी जो वाणी है, वाणी जब आप बोलेंगे तो उसमें एक विनम्रता आपके झलकेगी। तो ये विनम्रता किसी वजह से आपको किसी दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो ये जो वीक है वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। यहाँ से चंद्रमा आपके अष्टम हाउस को देखेंगे, अष्टम हाउस पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आपको जो धन की अचानक प्राप्ति है वो हो सकती है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन-लॉज से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा आपके जो रुचि है वो रहस्यमयी कहानियों में, रहस्यमयी बातों में, या अकल्ट साइंसेज में, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, या टेरो कार्ड रीडिंग है, इन सब में होगी, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, अगर आपके चंद्रमा पीड़ित स्थिति में है कुंडली में, तो आपको अचानक कहीं दुर्घटना के संकेत यहाँ पर मिलते हैं, और दुर्घटना भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। शुरुआत से लेकर अंत तक कोई बहुत मेजर समस्या यहाँ पे नज़र नहीं आती। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहें, कुछ कई बार खर्चे बढ़ जाएं, तो वो एक अलग समस्या है, लेकिन पूरा वीक अगर मिला जुला कर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस वीक में आपके लिए शुभ अंक रहेगा 3, और आपके लिए शुभ रंग रहेगा ब्लू यानी नीला। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।